उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में आज रैली की। इस दौरान पीएम ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने समाजवादी पार्टी सरकार से 5 सालों का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार हटाना चाहता हूं और मैंने दिल्ली में इसके लिए कई काम किए हैं। मैं दिल्ली से भ्रष्टाचार हटाना चाहता हूं, लेकिन यूपी से भ्रष्टाचार हटाने के लिए इस सरकार को हटाना होगा। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा के राज्य में योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती है। यहाँ कई भर्तियों में घोटाले हुए हैं और योग्य व्यक्तियों को नौकरियां नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सरकार बनने के बाद इन घोटालों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने अखिलेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा के राज्य में योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती, भर्तियों में घोटाले होते हैं, योग्य व्यक्तियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर इन घोटालों की जांच की जाएगी। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में कहा कि ये बीजेपी का संकल्प पत्र होता है, हमने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारी बात नहीं मानी गई। दरअसल इसी से भ्रष्टाचार पैदा होता है और अपने पराये का भेद किया जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अभी परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। क्या योजनाएं हैं बीजेपी, बताएं कुछ आपको? बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि विकास भी है और कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब के बारे में योजना करनी। और ये जो अत्याचार हो रहे हैं महिला माँ बेटी जैसे उसके बाहर निकलवाती है, उसके आरोप उसे रोकना और पुलिस को सख्ताई करना। वोट गिरेंगे और गिरवाएंगे खुल के। कितनी तारीख को इलेक्शन है यहाँ पर? 11 का। 11 तारीख को जी, हर गांव की एक एक वोट गांव की क्षेत्र से निकलवाएंगे। हम गांव से आए हैं, एक साथ आए जी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी, उसके तत्काल बाद नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन माफिया के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे, क्योंकि ये माफिया आम मध्यम वर्ग को लूटते हैं। साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि केंद्र सरकार की किसान बीमा योजना को यूपी में सही ढंग से अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। इस बीमा मद में 98% भुगतान सरकार करती है और किसानों को 2% ही देना पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसान बीमा योजना महज 14% किसानों के पास है। गाजियाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे नरेंद्र मोदी अपने चीर परिचित अंदाज में ही विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। जहां सपा को जमीन हड़पने वाली पार्टी बताया, वहीं बसपा को घोटालों की पार्टी बताया। साथ ही लोगों से विकास बनाम विनाश के नाम पर वोट करने की बात कही। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी की सरकार पूर्व बहुमत से प्रदेश में बनती है या फिर नहीं। अपने सहयोगी नितिन राजपूत के साथ उपेंद्र राय, गाजियाबाद, डीवी लाइव। तो पश्चिमी यूपी में पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को है। इसी फहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद के कमला नेहरू ग्राउंड में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया और अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखते रहिए डीबी लाइव।